रुड़की के तेलीवाला में उस समय अफरा तफरी मच गई जिस समय गैस गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की चपेट में आने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। रुड़की के पनियाला रोड पर छवि गैस सर्विस का गोदाम है, जिसके बाहरी ओर एक चौकीदार का कक्ष है। बताया जा रहा है कि चौकीदार मेहरबान का करीब 13 वर्ष का बेटा सदब कक्ष में गया, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जब वो बच्चा चिल्लाता हुआ बाहर की ओर आया तो उसके दोनों हाथ और पैर गंभीर रूप से झुलसे हुए थे। हादसे के बाद लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धमाका हुआ है। हमारा घर पास में ही हम लोगों ने भी वो देखा, बहुत तेज आवाज हुई, हमारे बच्चे भी एकदम चिल्लाए क्या मैटर हो गया, तो सामने कैमरे भी हमारे लग रहे, हमारे यहाँ तक दिखाई दे रहा, एकदम सामने देखा आकर बाहर निकले सब लोग, तो वो एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसमें दीवार गिर गई, लेंटर भी झुक गया और उसमें से एक बच्चा बहुत बुरी तरह घायल हो गया। और यहाँ इसमें जो है गैस गोदाम का गोदाम जो अंदर की तरफ, उसके बाउंड्री वाल के बाहर एक रूम और बरांडा है अलग से चौकीदार के उनके रहने का, जो उसमें भी सिलेंडर भरे हुए थे, उसमें 15-16 सिलेंडर बड़े भरे हुए थे और उसमें वो धमाका हुआ। अब वो इन लोगों का कहना है कि भाई ये तो छोटा सिलेंडर फटा जी, बिजली से फटा, लेकिन वो बिजली से फटा हुआ सिलेंडर नहीं है, बिजली से ऐसा सिलेंडर नहीं फटता, बिजली का कोई काम नहीं। जब उसमें 15-20 सिलेंडर बड़े रखे हुए, अगर वह फट जाते तो आज यह बस्ती बचे नहीं थी, यहाँ जो हजारों की संख्या में लोग मरते, क्योंकि अंदर 2-3 गाड़ी सिलेंडरों की भरी हुई है। हम इस ऑफिस पे बैठे थे और कई जने बैठे थे, एक धमाका हुआ, हम भी डर गए। बराबर में हमारा मकान है, उसमें से हमारी जो भाई है या हमारी लेबर है जो काम कर रही मकान का, वो भी बाहर निकल के एकदम उधर भाग गई, तो उधर भागी तो हम भी बाहर निकले, तो सब इधर भाग कर यहाँ चीख उठी बच्चे को, जो है ना बच्चा इसके अंदर था, जब वो निकला तो हमने देखा धमाका जो या तो दिखा या दीवार गिरी, तो फिर भाग के इधर आए, वो बच्चे को निकाल के यहाँ पर ले आए और उसके सारे तो बाल उड़ गए, जल गए, पूरी चमड़ी जल गई, कपड़े छीड़ हो गए इसके, फट गए और वो हाथ जोड़ने लगा भैया बचा लो। मैं अपनी पर्सनल गाड़ी मंगा के एकदम उसको एडमिट कराने का काम किया हेमंत हॉस्पिटल में। इनको बाद में ले गए, मैंने गाड़ी में घेर के अपनी पर्सनल गाड़ी में भिजवाया अपने बच्चों के साथ में, और वो एडमिट भी करा दिया हमने। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।